हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मनोमय रेसिपीज़। आज मनोमय रेसिपीज़ में बनने वाला है एक अचार। ये बहुत ही अलग किस्म का अचार है फ्रेंड्स। आज हम बनाने वाले हैं करेला मिर्ची नींबू का अचार, जो कि बहुत ही झटपट बनता है और बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस होता है फ्रेंड्स। इस सावन के मौसम में ये अचार आप ज़रूर बनाइएगा। ये 15 दिन के लिए आप आराम से फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं और इसे खाने के साथ एंजॉय कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं ये अचार कैसे बनता है, जिसमें नींबू से थोड़ा खट्टापन, मिर्ची से थोड़ा तीखापन और करेले से थोड़ा बिटरनेस होता है। लेकिन उससे पहले, जो भी अभी तक मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए, क्योंकि मनोमय रेसिपीज़ में मैं आपके लिए लाती रहती हूँ ऐसी रेसिपीज़ जो कि खाने में तो टेस्टी होती है लेकिन बनाने में उतनी ही ईजी होती है। आज हम ऐसी ही एक ईजी से डिश देखने वाले हैं फ्रेंड्स। तो चलिए मेरे साथ देखते हैं ये इंस्टेंट अचार कैसे बनता है। तो करेला मिर्ची नींबू का अचार बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता है उसे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लगभग 20 हरी मिर्चें ली है। आप हो सके तो ऐसे लंबी वाली हरी मिर्च ले लीजिएगा, ये इजीली अवेलेबल हो जाती है। और इसे आप लोग बीच से ऐसे सेलेक्ट कर दीजिएगा सारी मिर्चियों को। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के नींबू लिए थे, जिन्हें मैंने 4 हिस्सों में काट लिया है। एक करेला है जिसे मैंने ऐसा लंबा लंबा सा काट लिया है। उसके साथ मुझे चाहिए 2 बड़े चम्मच तेल, कुछ लहसुन की कलियाँ, जीरा, राई और थोड़ा सा हल्दी। चलिए अब हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बर्तन रख दिया है जिसमें मैं ये 2 चम्मच भर के तेल डाल दूँगी। और ये जो लहसुन की कलियाँ है, ये लगभग मेरे पास 20 से 25 है, इसे मैं थोड़ा सा कूट लेती हूँ। ये जो अचार है ये आप लोग स्टोर कर सकते हो फ्रिज में आराम से 10-15 दिन के लिए, और इसे खाने के साथ आप लोग एंजॉय कर सकते हैं फ्रेंड्स। और स्पेशली ये जो अचार है ये महाराष्ट्र में बनता है सावन के महीने में। जब सावन का महीना शुरू हो जाता है तब बहुत ही अच्छी अच्छी वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स अवेलेबल हो जाती है। उसी वक्त ऐसी मिर्चियाँ भी हमें अवेलेबल हो जाती है। लहसुन को मैंने कूट लिया है। अब तेल भी गर्म हो चुका है, अब इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ा सा जीरा, उसके साथ थोड़ा सा राई। उसके बाद इसमें ये डाल दूंगी कूटा हुआ लहसुन। इन सब चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और लहसुन को हमें थोड़ा सा सौते कर लेना है। अब फ्रेंड्स, इसमें मैं ये करेला भी डाल दूंगी और इसके ऊपर से मैं डाल दूंगी इसमें 1/2 चम्मच भर के हल्दी पाउडर और इसमें जाएगा स्वाद अनुसार नमक। अब इन चीज़ों को मैं यहीं पे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और उसके बाद हम लोग ये सब जो है, तीनों चीज़ें जो है वो इसमें डाल देंगे। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेना है और करेले के पकने तक हमें इन्हें पका लेना है। इन सब चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसे ढक के पका लेंगे जब तक कि करेला और मिर्च जो है वो पक नहीं जाते। इसे लगभग पकने में हमें 5 से 6 मिनट लगेंगे। इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें ढक के अच्छे से पका लेना है। तो फ्रेंड्स, पकते पकते यहाँ पे 6 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसे ओपन करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए, करेला भी हमारा पक चुका है, मिर्ची भी पक चुकी है। अब हम लोग गैस को जो है वो बंद कर देंगे और इसे हम लोग प्लेट कर लेंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स, मैंने जो अचार है उसे सर्व कर दिया है। आप भी चाहिए और फटाफट से ये चटपटा सा अचार बनाइए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका अचार कैसा बना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं कल एक नई रेसिपी के साथ।